प्रिय छात्रों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, क्लास टेंथ की बात हो रही है, इसमें एनसीईआरटी पैटर्न चलेंगे। क्लास टेंथ का जो मैथ का है प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। अगर जी इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 1.1 नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको गुणनखंड करना है, उसके रूप में इसको लिखना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितना है, 140। तो अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, तो अभाज्य गुणनखंड 140 का करेंगे हम लोग एलसीएम मेथड से। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 140 का आधा 70, फिर 2 से लगेगा 35, फिर इसको 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। इसमें देखिए 2 कितना बार है, तो 2 बार है, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5, तो एक ही बार है 5, और गुना 7। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही आराम से आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है आपका 2 नंबर क्या है, 156 का आपको निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, इसको भाग करेंगे 7 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6 3 तिहाई ये 18 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 13 3 39। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। इसमें 2 की संख्या कितनी है, तो 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर कितना है, 38 25 है। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 38 25 ये तो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, तो 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 रहता है 2 से नहीं लगता है, 3 से लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3 बचेगा, 3 दूना 6 22 हो गया, 3 7 21 1 3 5 15 फिर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15 और 3 से तो ये लगने वाला है नहीं, 5 से लगाएंगे, 5 8 40 और 50 25 फिर 5 से लगेगा, 5 से 17 5 85 आ गया। तो हमें लिखेंगे इसको 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। इसमें 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर और 5 भी 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर और 17, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, 5005 है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 से लगेगा, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5 001 फिर कितना से लगेगा, तो 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7 30 हो गया, 7 चौका 28 2 1 7 21 143 143, तो 11 से लगेगा, 13 बार में लग जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। कितना, यानी 5 1 5 है 7 है 11 है और 13 है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है 74 29। तो 74 29 का क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लगेगा कितना से, 2 3 से तो नहीं लगेगा, 17 से लगेगा, 17 से भाग करके देखते हैं, 17 चौका 68 74 में से 68 को हटाएंगे, 14 में से 8 कट गया 22 कितना 62 हो गया, 17 51 घटाते हैं इसमें से, 1 1 11 11 तो बचिए 9 17 17 7 119 लग गया। फिर कितना से लगेगा, 19 से लगा के देखते हैं, यानी 19 से लगाएंगे, तो 19 दूना 38 तो बचेगा 13 में से, ये तो कट गया 5 हो गया, यानी 57 लग रहा है 19 से 23 बार में, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग 74 29 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 17 × 19 × 23 आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की पूरी, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कितना पांच ही क्वेश्चन था, पांच क्वेश्चन बना लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, क्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अपने हमें जांच भी करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, कितना कितना निकालना है 26 और 91 के बीच। तो दोनों का गुणनखंड करेंगे, आभास गुणनखंड। 26 का करेंगे 2 से कितना आएगा तो 13, फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आएगा, इतना हो गया। दूसरा है 91, तो 91 कितना से लगेगा तो 7 से, 13 से 91 और ये 13 से लगेगा तो 1 होगा। इसका हमें LCM और HCF निकालना है। तो 26 का आभास गुणनखंड, यानी 26 बराबर लिख सकते हैं 1 × 2 × 13, और 91 को लिख सकते हैं कितना 1 × 7 × 13 है। तो HCF किसको कहते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF यानी HCF क्या होगा इसमें, तो सबसे यानी जो दोनों में संख्या मिल रहा है कितना है 1 × 13, तो HCF कितना आ जाएगा तो आपका HCF आ जाएगा 13। और LCM, तो LCM है जो दोनों में मिला उसको एक बार लिखना है, और जो दोनों में नहीं मिला उसको अलग अलग करके लिखना है। इसमें 2 और 3 है तो 2 और 7 है तो 2 और 7, और 13 तो दोनों में मिला है इसको गुना कर लेंगे। 13 से 91 में 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा 2 × 9 × 18 कितना 182 LCM हो जाएगा आंसर। लेकिन इसके बाद हमें कह रहा है कि LCM और HCF तो हम निकाल लिए, और हमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM लिखना है। यानी यहाँ लिखेंगे जांच करने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुणनफल, यानी दोनों संख्या कितना है तो 26 × 91 है। तो दोनों को गुना करेंगे, 26 से 91 में गुना करेंगे 26, 9 × 6 = 54, इसका 5 हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 × 5 कितना हो जाएगा 23, 18 × 5 = 23, तो 6 × 6 कितना आ गया 23, 66 आ गया। यानी इसको हम लोग गुना किए तो कितना आ गया 23, 66 आ गया। और हमें HCF गुना, इसका जो HCF निकाले हैं और LCM निकाले हैं दोनों को गुना करने पर इतना आनी चाहिए, कितना है 13 × HCF 13 है और LCM 182 है, तो गुना करेंगे 182 में 13 से गुना करेंगे 3 × 6 = 18, 54, फिर इसमें 1 से यहाँ पे गुना करना है तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ना 6 × 4 = 2 × 6 = 8 × 5 = 13 कितना आ गया 23, 66 आ गया। यानी इसके बाद हमको लिखना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा HCF गुना LCM, आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रूफ में हो गया। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, क्वेश्चन नंबर दो किसके बीच निकालना है, 510 और 92 के बीच निकालना है। LCM और HCF दोनों को जांच करना है, तो दोनों का गुणनखंड करेंगे, 510 तो 2 से लगेगा, 2 × 4 = 1, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, फिर कितना से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं, 3 × 8 = 24, 1 × 3 = 15, फिर 5 × 17 = 85 आ गया। आगे है 91, तो 91 को 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा 2 × 8 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगेगा 23 हो जाएगा, इसके बाद तो लगने वाला है नहीं। यह लिखेंगे 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17, फिर 92 बराबर कितना 2 × 2 × 23 है। तो HCF जो दोनों में मिलना चाहिए, ये क्या हो गया 2 मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका 2 हो जाएगा। और LCM हो जाएगा जो दोनों में मिला उसको एक बार गिनती करते हैं, उसके बाद सभी संख्या जो नहीं मिला है सभी को लिख देते हैं, फिर 3 × 5 × 17 नीचे वाला में है कितना 2 × 23 है, गुना करेंगे
तो 5 × 10 17 × 51, यानी 5 × 10 और 17 × 51 हो जाएगा। 51 में 2 से करेंगे तो 102, यानी 102। फिर आपको इसमें 23 से गुना करना है, यानी 10 20 में कितना से 23 से गुना करना है, तो गुना करेंगे 0603, फिर 2 से करेंगे 0402, कितना हो जाएगा 06432, कितना हो गया 23460 आपका एलसीएम हो गया। इसके पास दोनों में संबंध को बताना है, यानी जांच करना है, या लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है। पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को पहले गुना करेंगे। संख्या कितना है 510 × 92, दोनों को गुना करेंगे, यानी 510 में 92 से गुना करेंगे 020, ये हो गया। फिर 09 9 5 45, इसको जोड़ेंगे 02964, कितना आ गया 46920 आ गया। ये तो हो गया दो संख्या का गुना करने पर। अब लिखना है एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है 23446 × 2 करना है, कितना 06 × 12 दो, हाँ से 4 × 8 = 9, 3 × 6 = 2 × 4, यानी आ गया दोनों बराबर कितना 46920 आइए, यानी बराबर है। तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, आंसर आपका प्रूफ हो जाएगा। ये तो आपका LCM का HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा, इसको हम लोग जांच कर लेंगे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितना है 336 और 54 के बीच, 336 और 54 के बीच, तो 336 का करेंगे गुणनखंड, 2 से लाएगा, 2 × 1 = 2, 13 × 2 = 12, 1 × 2 = 16, फिर 2 × 8 = 4, फिर 2 × 4 = 2, फिर 2 × 2 = 1, 3 × 7 = 7 बारे में, ये हो गया। 54 का करेंगे तो 2 × 27, फिर 3 × 9, फिर 3 × 3 आ गया, ये हो जाएगा। 336 का आभास गुणनखंड कितना है, कहेगा 2 है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और 1 3 और 1 7 है। 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, इसमें 1 और 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है 1 3 मिल रहा है। तो इसका पहले HCF हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 2 और 1 3 मिला तो HCF कितना है, तो HCF इसका 6 हो गया। अब बच गया से LCM हमें निकालना है, तो ये दोनों मिल रहा है तो 1 और 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये तीनों तो नहीं मिला है तो तीनों को लिख लेंगे, 3 और 2 को लिख लेंगे, फिर इसके बाद 3 मिल रहा है, 3 लिख लिए, ऊपर वाला 7 है, फिर नीचे वाला 2 3 छूट गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको गुना करना है, 2 × 4 4 × 8 × 16 16 × 3 = 48, 48 यहाँ तक तो 48 आ गया, इसको गुना करेंगे 3 × 3 = 9 9 × 7 = 63, इसको गुना करेंगे 8 × 3 = 24 4 हासिल 2 4 × 3 = 12 2 14 8 × 6 = 48 8 हासिल 4 6 × 6 = 24 24 4 28 जोड़ेंगे 4 2 0 3, कितना 30 24 आ गया, 30 24 23 का एलसीएम हो गया। अब इसके बाद हमें जांच करना है, लिखेंगे जांच करने पर, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो जो दोनों संख्या दोनों को गुना करेंगे 336 और 54 को गुना करेंगे, कितना 336 और 54 को गुना करते हैं तो 6 × 6 = 24 4 × 3 = 12 2 × 14 = 4 + 4 = 1 13, फिर 5 × 6 = 25 30 3 × 5 = 18 1 × 5 = 15 1 = 16 4 × 4 = 81 44 आ गया, 181 44 आ गया। फिर HCF × LCM देखते हैं, HCF × LCM
एच सी एफ कितना है, तो एच सी एफ 6 है और एल सी एम 30 24 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल, 2 6 12 2 14 के 14 6 18 और यानी दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखना है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, एच सी एफ गुना एल सी एम, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अभाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है, यानी अभाज गुणनखंड का प्रयोग करके और जो दिया गया संख्या है इसको हमें एच सी एफ और एल सी एम दोनों निकालनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21 है, तो दोनों तीनों का वाड़ी वाड़ी से अलग अलग गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 ये हो जाएगा, इसके बाद आप फिर 3 से 1 करके लगा भी सकते हैं ऐसा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर आपका 15 का देख लेते हैं कितना, 3 से लगेगा 5, जब हम यहाँ पे लगा ही दिए तो यहाँ पे भी लगा देते हैं 5 से एक बार में। फिर आपका 21 का है तो 3 से लगेगा तो 7, फिर 7 से लगा दिए 1, ये एक मर्त में इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गो 2 है 1, सॉरी पहले तो 1 को लिख लेते 1, फिर 2 2 2 गुना 2 और 3 है। इसके बाद है 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 गुना 3 गुना 5। फिर आपका 21 का, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 3 गुना 7। तो देखिए जो तीनों में मैच करते हैं यानी तीनों में जो संख्या मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, तो एच सी एफ कहलाता है। तो तीनों में कौन कौन सी संख्या मिल गया, तो 1 और 3 तीनों में मिल गया, तो इसका एच सी एफ कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब एल सी एम का बात आता है, तो एल सी एम का बात है कि ये तो तीनों में 1 मिल गया लिख लिए, पहले जो तीनों में मिल गया से लिख लिए, फिर आपको देखना है कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है, यानी इसके बाद तो कोई नहीं मिल रहा है कोई भी, क्या हो जाएगा, 2 गो 2 फिर 5 और 7, इसको हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा, पहले 5 दुना 10 हो गया, इस दोनों का काम खत्म, फिर 7 3 21 21 दुना 42, 42 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 420 420 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 17 23 और 29 का गुणनखंड हमें निकालना है, तो 17 का कितना से, 17 से ही लगेगा, एक बार हो गया, एक हो गया, फिर 23 ये सब तो दूसरा कोई संख्या से लगेगा नहीं, एक हो गया, और 29 का भी लगाएंगे तो 29 से लगेगा तो एक हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 17 हो जाएगा। उसी प्रकार 23 का अभाज्य गुणनखंड, ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम डॉट कर देते हैं, 1 गुना 23 हो जाएगा। फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड पूरा लिख लीजिएगा, हम डॉट कर रहे हैं 29। तो यहाँ पे देखना है कि आपको एच सी एफ, तो एच सी एफ यानी तीनों में कौन मिल रहा है, तो एक मिल रहा है, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एल सी एम यानी एक तो तीनों में मिल रहा है लेकिन ये जो संख्या है किसी में नहीं मिल रहा है, यानी सबको आपको गुना करना होगा। तो 11 339 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 नंबर इसका, 8 9 और 25 के बीच का निकालना है, तो सबका गुणनखंड पहले बारी बारी से कर लेंगे, 8 का गुणनखंड कर लिए, फिर 9 का करेंगे, इसको 2 से लगा देते हैं, 2 से एक बार में, 9 को कर लेंगे 3 से, फिर 3 से इसको लगाते हैं, एक हो जाएगा, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से 5, फिर 5 से लगा देंगे, एक हो जाएगा। तो लिखते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, पहले तो 1 को लिखेंगे, 3 गो 2 है उसमें, 3 गो 2 लिख लिए। फिर आपका 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर पहले 1 को लिखेंगे, फिर 3 दो बार है, फिर आपका 25 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 5 गुना 5, तो इसमें जो संख्या है तीनों में मैच कर रहा है कौन सी संख्या, तो आपका मैच कर रहा है 1 तीनों में मैच कर रहा है, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एल सी एम हो जाएगा, 1 तो तीनों में मैच कर रहा है, पहले 3 गो 2 लिख लेंगे, फिर 2 गो 3, फिर 2 गो 5, अब सबको हमें गुना करना है 2 गो 5,
तो गुना कर लेते हैं, पाँच दुना दस, पाँच दुना दस तो 100, तो ये हो गया, इसका 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 काम खत्म हो गया। फिर तीन दुना छः, सॉरी तीन तिहाई नौ, नौ दुना अट्ठारह, अट्ठारह में 100 से गुना करेंगे तो 1800 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, 1800 एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक और एलसीएम 1800। क्वेश्चन नंबर चार है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया गया है, तो इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो आपकी थोड़ी देर पहले दो नंबर क्वेश्चन बनाया था, उसमें आपको क्वेश्चन एक जाँच करना था, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल था, दो संख्याओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला था। तो गुणनफल बराबर क्या था, एच सी एफ गुना एल सी एम, तो इसी वाले फॉर्मूला पर ये वाले आपका चार नंबर जो क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पर आपको बनेंगे। तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। तो पहले तो जो दिया गया है इसे लिख लेंगे, क्या है, एच सी एफ 306 657 का एच सी एफ ये क्या है, दिया गया है, दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या, एल सी एम निकालना है। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि दो संख्या का, सॉरी एच सी एफ गुना एल सी एम, इस प्रकार से लिखते हैं, एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें इसमें से निकालना क्या है, तो निकालना एल सी एम है, तो एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, एच सी एफ। तो दो संख्या, दोनों संख्या कितना है, 306 और 657 है, भाग कितना से करेंगे तो इसका एच सी एफ कितना है, 9 से इसको काटेंगे, 306 9 से कट जाएगा, 9 तीय 27 दो बचेगा, 9 तीय 27 तीन बचेगा, 36 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कितना, 34 गुना 657 गुना करना होगा, यानी 657 से में कितना से 34 से 7 चौक 28 दो, 5 चौक 20 दो, 22 के दो हासिल दो, 6 चक 24, 24 दो, 24 दो 26 हो जाएगा। फिर 3 से 7 21 के हासिल दो, 5 ती 15 दो 17 के साथ हासिल, 1 36 18 1 19 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 3 7 6 13 9 2 11 1 12 एक कितना 22 338 आ गया, 22 338 ये आपका एलसीएम हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ी सी इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है, आपकी बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन आपको हो जाएगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत ही आराम से बन पाएंगे। तो हमको प्राकृतिक संख्या लेना है, यानी हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होता है, यानी कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या लेंगे जो 0 पर समाप्त होगा, उसमें 5 का गुणनखंड होता है। जैसे मैं देखिए 10 20 30 ये जो संख्या है, तो इसका जो आभास गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 आएगा, ज़रूर है कि आएगा, इस सबका आभास गुणनखंड कीजिएगा तो 5 आएगा, यानी ये 5 से विभाज्य है, ये बात है। लेकिन जब वहाँ पर बात आता है 6 के पावर जो एन है, इसका अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा, तो 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, यही बात आपको बतानी है। तो 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 3 2 गुना 3 इसका पावर n लिखते हैं, यानी 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी जिसके लास्ट में कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिसके लास्ट में 0 होगा वो 5 से ही विभाज्य होगा, लेकिन इसका जो गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, तो ये 3 से तो विभाज्य नहीं होगा, ये तो आपका संभव नहीं है। तो इसी को हमको लिखना है, क्या हम लोग लिखेंगे, ये हम मैंने पहले से लिख रखा है, क्या इसको हम आपको थोड़े समझाते, यानी साथ ही साथ आपको हम समझाऊँगा क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या लीजिएगा जो शून्य पर समाप्त होता है, तो वह 5 से विभाज्य होता है, ये बात आपको ही जानकारी है। इसीलिए इसके आभास गुणनखंड में 5 होनी चाहिए, यानी अगर ये 0 पर समाप्त होता है और धनात्मक होगा तो 5 से उसकी विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाज्य होने का मतलब कि उसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। अब 6 के पावर एन, यानी 6 के पावर एन है तो 6 का गुणनखंड की जगह तो 2 गुना 3 का पावर एन, तो 2 का पावर एन और गुना 3 का पावर एन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 6 के पावर एन के आभास गुणनखंडों में केवल 2 और 3
तीन है, यानी अगर जो यह जीरो पर समाप्त होता है, अगर जो यह विभाज्य होता तो इसमें क्या आना चाहिए, इसके गुणनफल में कितना आना चाहिए, तो पाँच आना चाहिए, लेकिन यह इसमें संभव नहीं, इसमें दो और तीन है, पाँच इसमें नहीं है। तो यहाँ से लिखते हैं आधारभूत प्रमेय से, वो हम मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। इसीलिए छः के पावर एन के अभाज्य गुणनखंड में संख्या पाँच नहीं आ सकती है, यानी छः के पावर एन के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें संख्या पाँच नहीं आ सकती है। अतः छः के पावर एन किसी भी प्राकृतिक संख्या एन के लिए किसी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह आपका कंप्लीटली आंसर हो गया, बहुत ही आसान शब्दों में आपका। क्वेश्चन नंबर छः क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और जो दी गई संख्या है भाज्य संख्या है क्यों, यानी हमें बताना है कि जो दो संख्या दिया गया है भाज्य है क्यों है। तो भाज्य क्यों है, तो पहले पहली संख्या को लिखते हैं, क्या है पहली संख्या, तो सॉल्यूशन में पहली संख्या और क्या हो जाएगा, पहली संख्या 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से कॉमन क्या आने वाला है, तो कॉमन क्या आने वाला है, प्लस इधर कितना है 13 और इधर भी कितना है तो 13, तो कॉमन कितना आएगा तो 13 आएगा, तो बच गएगा 7 × 11 × 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें से 13 तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो दिया गया संख्या है 13 से भाज हो रहा है, 13 से भाग लग रहा है। ये लिखेंगे यहाँ 13 से विभाज्य है, इसीलिए जो दी गई संख्या है वह 13 से भाज्य है, पहले वाली संख्या के लिए तो हो गया। दूसरी वाली संख्या के लिए है, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, तो 5 है तो प्लस की साइड 5 है तो 5 को मनाएंगे, इसमें से 5 आएगा, इसमें से बच गया 7 × 6 × ये 5 के जगह पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 + 1 हो गया। तो इसमें से कितना कॉमन आया तो 5 को मनाएंगे, तो इससे साबित होता है कि यहाँ 5 से यही बात लिख देंगे विभाज्य है, इसीलिए जो दी गई संख्या है, इसीलिए जो दी गई संख्या है वह कितना से भाज होगा तो 5 से भाज है। तो लिख देंगे अतः 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दोनों भाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्या है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आगे क्वेश्चन आपसे तो बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर जो डिजिट कोई संख्या चेंज कर दिया, यहाँ 13 के जगह पर 17, ये भी 17 रहेगा, उसमें से आप लोग 17 कॉमन लीजिएगा, इसमें अगर जो इसमें कोई डिजिट चेंज करके रहेगा उसका भाज करने के रहेगा, भाज चेक करने के लिए रहेगा, तो आप तो बना लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो प्रश्नवली 1.2 का ये क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, यानी एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, यानी करके एक ही दिशा में चलता है, यानी एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस जो दोनों संख्या है दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, यानी 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, दोनों का एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का, 18 का और 12 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 2 से लगाएंगे 9, फिर ये लगेगा 3 से 3, 12 को 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से 3, यानी लिखेंगे 18 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 1, 2 और 2 आपका इसमें 3 आ गया, 12 वाला में कितना आ गया, 2 × 2 = 1, 3। तो इसका जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो जो संख्या दोनों मिलता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं,
एचसीएफ नहीं निकाले, एचसीएफ निकाले तो तीन गुणा दो लिखते हम छः लिख देते, लेकिन एलसीएफ में निकाल रहे हैं तो दो संख्या जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, पहले लिख लिए, यानी ये दो दोनों में मिला, ये तीन दोनों में मिला तो एक एक बार लिख लिए, लेकिन ये दो संख्या जो बच गया नहीं मिला इस दोनों को भी आपको इसमें लिखना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया, यानी अतः लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका ए वाला आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सरल सी भाषा में हमने आपको ये आंसर बताया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।